Welcome to Icon, a symbol of success. हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम एन एंकर नास परवीन. मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आईकॉन न्यूज में स्वागत करती हूँ. सो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है डिजिटलाइजेशन ऑन ह्यूमन लाइफ. तो हमारे फर्स्ट गेस्ट जो यहाँ पर चार गेस्ट हैं हमारे, तो जो फर्स्ट वन इज हैं मिस्टर अमरजीत शर्मा फ्रॉम आईटी फील्ड से हैं, और सेकंड है मिजान खान फ्रॉम एम कॉलेज, और हमारे थर्ड गेस्ट जो हैं वो हैं हमारे शहाबुद्दीन सर हैं जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, और हमारे चौथे जो हैं यूसुफ सिद्दीकी स्टूडेंट ऑफ बीबीसी डिजिटल से आया है. डिजिटल अब है क्या? हम जितने भी वर्क करते हैं फिजिकल वर्क को हम फिंगर टिप्स पे बाय इंटरनेट करते हैं वो हमारा डिजिटल है. तो चलिए मैं आप पूछना चाहती हूँ अपने फर्स्ट गेस्ट मिस्टर अमरजीत शर्मा से कि ये हमारे ये डिजिटलाइजेशन से समझते क्या है. देखिए, डिजिटलाइजेशन जो है वो एक तरह का मतलब कहिए तो मतलब कि हमारे काम को बड़ा आसान कर दिया है. हमारा जितनी भी वर्क है इस प्रक्रिया के आने से हमारे काफी काम आसान हो चुके हैं. पहले हम लोग क्या करते थे कि ऑफिशियल वर्क या ऑफिस में हम लोग जा रहे हैं या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप देख सकते थे कि हमारा जो वर्क होता था अटेंडेंस बनता था, मैनुअली वर्क होता था. लेकिन इस हमारे डिजिटलाइजेशन के आ जाने से हमारे काम को आसान कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सुविधा मतलब कि आ गया है इसकी वजह से. और आज हम लोग जितने भी अटेंडेंस वगैरह जो बना रहे हैं हमारा क्या है सर, सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दिया गया है और बड़ा आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि अटेंडेंस वगैरह अपना डेट ऑफ जो हम अटेंडेंस हो गया या टाइमिंग हो गया सारा मेंटेन करते हैं. इससे क्या होता है कि कभी भी किसी तरह का मतलब कि पहले क्या होता था कि अब्सेंटिंग में भी कई लोगों की चोरियां होती थी, ठीक है ना, नहीं भी आता तो स्टाफ के अटेंडेंस बन जाता था. लेकिन अब इस प्रक्रिया के आ जाने से, ये इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के आ जाने से अब ये चीज़ से बचा जा सकता है. अब जो लोग अब प्रेजेंट होंगे उन्हीं लोग का ये क्या होगा कि अटेंडेंस बनेगा, यानी पूरा रिपोर्ट जो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरह रहता है, ठीक है. चलिए डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड हम कुछ सवाल अपने गेस्टों से पूछते हैं. तो मिस्टर मिजान, आप बताइए कि ऑनलाइन पेमेंट से आप क्या समझते हैं, वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद है? देखिए, हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट हमारे लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि अगर हम कहीं गए हैं, हमारा कुछ काम रुका हुआ है, हमारे पास पैसे नहीं है या हमारे आस पास एटीएम की सुविधा नहीं है तो हम वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग कर सकते हैं. इस चीज से हमको ये समझ में आता है कि कहीं पर हमको अगर इमरजेंसी पड़ जाती है या फिर कहीं पर ऐसा आ जाता है कि वहाँ पर हम कैश का यूज नहीं कर सकते हैं, और बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि कैश का यूज या कैश नहीं होता है हमारे पास. आज ही आप ये भी देख लीजिए कि गाँव वगैरह में या फिर बहुत सी जगह पर शॉप वगैरह है जहाँ फोन पे यूज नहीं कर सकते हैं तो उनका बिजनेस जो है डाउन हो रहा है. और इसी चीज के अगर वो इस चीज को यूज करें तो उनके पास कस्टमर आए, और आज के जमाने में लोग ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट ही यूज करते हैं. तो हमको जहां तक समझ में आता है और कहना है कि ऑनलाइन पेमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है और इससे हम लोग को फायदे ही होते हैं. देखिए, ऑनलाइन पेमेंट जो है ये हमारे बिजनेस को इससे काफी बढ़ावा मिला है. आज हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटे बिजनेसमैन भी आज इस फैसिलिटीज को अपना रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं थी तो कई तरह का असुविधाएं, जब इस तरह की सुविधाएं नहीं थी तो कई तरह के मतलब कि हमें मुश्किलों से सामना करना पड़ता था. कभी कभी आप सुने होंगे कि जब हम ट्रेन पे जा रहे हैं तो पर्स चोरी हो गया, ठीक है, जब हम कभी कभी जाते थे दुकान में तो कोई भुला गया, तो इन सभी चीजों से काफी मतलब कि छुटकारा पा लिया है लोगों ने. ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो जाने से अब क्या है, डायरेक्ट है ऑनलाइन पेमेंट विदाउट कैशलेस.
हम अपना फोन से भी कर सकते हैं। आज हम देख क्या रहे हैं कि हमारा बैंक जो है SBI PNB मतलब जितने भी बैंक का फैसिलिटी है सारा नेट बैंकिंग कर दिया गया है। आज आप नेट बैंकिंग के जरिए आप हर तरह की सुविधाएं को आप यानी कि ट्रांजेक्शन को आप कर सकते हो, यानी लेन देन की जो सुविधा है आप पूरी तरह से स्मूथली बहुत अच्छे से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सर। आज बैंक भी आज हमारा RBI भी इस चीज के बारे में बोलता है कि जितने से ज्यादा हो और इस फैसिलिटीज को आप क्या करें यूज करें आप, ठीक है। तो देखिए ऑनलाइन पेमेंट बहुत ही जरूरी था, हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है और हमारा इससे क्या होगा कि बिजनेस को काफी बढ़ावा मिला है इस चीज की प्रक्रिया के आ जाने से, और ये चीज को आ जाने से काफी खुशी भी फील होती है। आज हम देख रहे हैं कि हर चीज सुविधा जो है सारा नेट से जुड़ा हुआ है जो हमारे काम को आसान कर दिया है, और कई तरह का हमने चोरी से भी बचे हैं। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते थे तो पर्स चोरी हो गया सर, तो उस तरह का हमारे काम नहीं हो पाते थे। आज हम गए तो मेरा पैसा लुटा गया सर, ऐसा होता था। लेकिन आज ये फैसिलिटीज को आ जाने से कोई दिक्कत नहीं है। आज आप कह सकते हैं कि सर ऑनलाइन करने से बड़ी तरह की दिक्कत भी है, आपका मोबाइल चोरी हो सकता है। तो ठीक है, मोबाइल अगर चोरी हो भी जाता है ना सर, तो आपका वहाँ पे पासवर्ड है सर, आपका OTP है सर, कभी भी इस चीज से आपको कभी कोई चोरी कर ही नहीं सकता है। और ये सुविधा को आ जाने से हमें बड़ा खुशी फील हुआ है और काफी लोगों को भी फील हुआ है। बस आज बस मेरा यही कहना। तो जो हमारे ऑनलाइन पेमेंट के बारे में मिस्टर अमरजीत शर्मा ने बताया है, तो अब आप बताइए मिस्टर शहाबुद्दीन साहब कि आपका क्या राय है इस ऑनलाइन पेमेंट में, क्या इनका कहना सही है? देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जितनी भी सारी चीज जितनी सुविधाएं हमें उपलब्ध हो रही हैं, इन तमाम चीजों से ये क्लियर है कि जहां बहुत ढेर सारे फायदे आपको दिख रहे हैं उससे ज्यादा बहुत सारे नुकसान भी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज हर रोज आपके मोहल्ले में आपके पड़ोस में ये बातें आपको मिलती रहती होंगी कि आज हमारे बैंक खाते से वो 2 लाख रुपए का वो नुकसान हो चुका है और हमारे ATM से जो है पैसे निकल चुके हैं और हमारे फोन से जो है वो ऑटोमेटिकली वो ये गायब हो चुका है हमारे फोन पे से पैसा। तो ये तमाम की तमाम चीजें क्लियर करती हैं कि जहां आपके फायदे हैं वही नुकसान है। तो अब इन तमाम चीजों से बचने के लिए मैं जहां तक जो मैं अपनी व्यू आपको देना चाह रहा हूं वो ये कि हम जिस हाल में पुराने थे वो खुशियां और वो रियायत हम आज महसूस नहीं कर सकते। आज इस मिनटों में एक मैसेज के जरिए से वो कई कई जगहों पर सुसाइड हो रहा है और कई जगहों पर वो आप सोशल मीडिया के जरिए से वो ढेर सारी बुराइयां फैल रही हैं और ढेर सारे नुकसान हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस बात का क्लियर करता है कि ये जो है सोशल मीडिया जो आया है हमारा, ये सोशल मीडिया ये बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है। तो फायदा तो आपको नजर आ रहा है जाहिर तौर से, जहां फायदा नजर आ रहा है इससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है आपके सामने। मिस्टर साउदी जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं इसमें कि जहां पर ये चेंजेस की बात हो रही है तो ये चेंजेस बहुत ही जरूरी है, वरना परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है? परिवर्तन एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप जैसा अभी आपने कहा कि जैसा हमारा पुराने ख्याल में ही रहना चाहिए, वो खुशियां आनी चाहिए, नहीं ये बिल्कुल गलत है। आप कहिए जो स्टेटमेंट है ना काफी गलत है। हमें इस मुझे आगे की फ्यूचर को बदलना है, आगे फ्यूचर को मतलब इतनी सुविधा इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है लोगों को कि काफी आसानी से उस सुविधा को मिले। और जहां तक की बात है कि आपके क्राइम जो हो रहा है, ठीक है मैं भी मानता हूँ कि क्राइम हो रहा है, लेकिन ये क्राइम होने के पीछे भी रीजन है, और क्या रीजन है आपकी जानकारी नहीं है इस बात का। जिन लोगों की इस बात की पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है, बस आपकी छोटी सी गलती की वजह से इस तरह की क्राइम हो रहा है। तो आप चाहेंगे क्या कि आप इसकी जानकारी में या लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और इसका सही फायदा इस्तेमाल आज हमारा आरबीआई बोलता है कि आप अपने OTP पासवर्ड और अपने अकाउंट नंबर किसी को ना शेयर करें, फिर भी ये चीज हो रहा है। क्यों? यानी कि जानकारी आपको इस बात का नहीं है, यानी लोगों की जानकारी सही से ना होने की वजह से आज हम क्या देखते हैं कि फोन आता है कॉल आता है कि आपके इतनी की लॉटरी लग गया है, आपका इतना का ये हो गया, आपके अकाउंट में इतने ट्रांसफर हो गए हैं,
लेकिन हम क्या देखते हैं कि आजकल लोग तुरंत उनके बातों में आकर अपना ओटीपी, अपना पासवर्ड, अपने अकाउंट नंबर सेव करते हैं। बस यही वजह है कि उनकी पैसा जो है ना उनके अकाउंट से चला जाता है। यकीनी बात है सर, आपका कहना यह है कि ये प्रकृति का ये सिस्टम है वो बदलते बदलते रहने का, लेकिन आप मुझे ये जरा बताएं, आप मुझे बताएं कि ये 2G 3G 5G आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपने इतनी सारी बातें कही, मैंने सुना आपकी बातें, आप इस बात को मेरा इसका जवाब दीजिए कि ये 2G 5G अब जो लॉन्च हो रहा है, आप आज बच्चे पैदा आज जन्म ले रहे हैं अपनी माँ की गोद में आ रहे हैं और आज ही वो अपने आंखों से वो खत्म हुए हुए, उसके आंखों में रोशनी नहीं होगा, उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं है, आज उसके हार्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसके पूरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, पूरा जो है माहौल खराब हो रहा है, प्रदूषण फैला हुआ है। सर आप ये बताएं कि ये तमाम की तमाम चीजें जो आपने फायदे गिनाए हैं, बताइए इसका नुकसान आपको कहां तक सही समझ में आ रहा है? देखिए सर, मैंने आपको कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी, आज हमारे देश में एक से एक टेक्नोलॉजी आ गए हैं, हमारा विदेश भी इसका यूज कर रहा है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी होने की मदद से क्यों नहीं आगे की ओर सोचें। और आपका कहना है कि आज जो बच्चे पैदा ले रहे हैं वो अंधे पैदा ले रहे हैं, थोड़ा सा बहरा हो जा रहे हैं, तो देखिए सर इसका भी एक रीजन, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा तो जाहिर सी बात है मोबाइल देखा नहीं, अपने घर में रहता तो कभी मोबाइल देखा नहीं, कभी सुना नहीं, लेकिन हाँ उसका इफेक्ट कौन पड़े, उसकी माँ ज्यादा यूज कर रही है वो चीज को, टीवी ज्यादा देख रही है, मोबाइल ज्यादा यूज कर रही है, तो उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ रहा है। सर आप ये कभी नहीं बोल सकते कि इस मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी के आ जाने से ये गूगल जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है, आप उस पर सर्च कीजिए कि वो उसका अपना कहना है गूगल का कि हम पे जो सर्च किया जाता है, हालांकि पूरा आईटी फील्ड में जो है इस पे काम हो रहा है और सब लोग हर कोई काम कर रहे हैं, उसका अपना कहना है कि 60% जो है हम पे जो सर्च किया जा रहा है वो गलत चीजें सर्च की जा रही हैं, 60%, 40% वो है जो काम से रिलेटेड बातें चीजें हो रही है। आप ये बताइए अभी जो 5G जो आने वाला है, जो लॉन्च होने वाला है, हमारे यहाँ लॉन्च हुआ नहीं है अभी, ये जो प्रदूषण जो खराब हो रहे हैं इसके आने के बाद जो कुछ इफेक्ट पड़ रहा है वो ऑटोमेटिकली है, वो ना चाहते हुए होगा। जरूरत से ज्यादा उस चीज को यूज ना करें ना सर, आप सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप देख क्या रहे हैं कि आपके लोगों दो दो घंटा, चार चार घंटा, दो दो बजे रात तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें ना सर। ऑनलाइन की सुविधा क्यों थी, मतलब कि ऑनलाइन की फैसिलिटी या डिजिटलाइजेशन से क्या फायदा मिला कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, इसका मतलब ये तो नहीं है ना सर। सर मैं मेरा सवाल आपसे डायरेक्टली ये है, मेरा जी और साउदीन जी आप दोनों टॉपिक से बिखर रहे हैं। शर्मा जी की बातों पे हम आते हैं, शर्मा जी ने कहा था कि जैसे कि ये गूगल पे वगैरह यूज हो रहा है तो ये दिस इज द यूजफुल फॉर आवर यूथ, बट यू नो दैट लॉट्स ऑफ टाइम एवरी पीपुल फेसिंग दिस प्रॉब्लम विद इंटरनेट, सम टाइम यू हैव नॉट फेसिंग द इंटरनेट, यू हैव नॉट इंटरनेट इन योर मोबाइल, दैट टाइम यू हाउ कैन यू पे आवर ऑनलाइन पेमेंट, यू हैव नो दैट टाइम सपोज दैट टाइम यू हैव नो एनी मनी इन योर पॉकेट, if you have no 1 rupees in your pocket, and that time you are going to own the market and purchase the some purchase things, okay, and you do the online payment, okay, that time you and your internet not working, so how can you pay our money? आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन से काफी प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग तो देखिए हम बता देते चाहते हैं कि इसके बारे में उनको जानकारी हासिल करना चाहिए, हम चाहते हैं कि उन लोग भी आगे बढ़े और उन लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, तो इसकी जानकारी उनको हासिल करना चाहिए। अब ये जानकारी कैसे हासिल, एजुकेशन लाइन में आगे जाना है, तो चलिए हम लोग एजुकेशन लाइन में ही चलते हैं थोड़ा आगे। तो आप मुझे ये बताइए मिस्टर अमरजीत शर्मा कि हमारे एजुकेशन क्षेत्र में जो डिजिटलाइजेशन है तो उसका क्या महत्व है? देखिए हमारे एजुकेशन सेक्टर में अगर डिजिटलाइजेशन का देखें तो महत्व तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इसके आप पीछे देख लीजिए 2020 में काफी कोरोना काल में हमने देखा क्या कि हमारा सारा का सारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्लस कोचिंग वगैरह जो इतने भी प्राइवेट संस्था वगैरह है वो सारा बंद हो चुका था सर, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना काफी ठप पड़ गया, इससे हमारे बच्चों का विकास, हमारे देश का विकास रुक गया।
जब रुक गया तो आज मतलब ये रुक गया तो उस प्रचलन को यानी उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमने सहारा किसका लिया सर, डिजिटलाइजेशन का ही सहारा लिया। आज आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। आज देख रहे बायजूस हो गया या फिर और भी देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट वगैरह जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन क्या हो रहा है कि क्लासेस ली जा रही है, जिससे हमारे लोगों को क्या है घर बैठे आपकी फैसिलिटीज मिल चुकी है। आप घर बैठे आप उस मतलब की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं यूपीएससी का अगर पीसीएस का एग्जाम क्लियर करना हो, यूपीएससी का करना हो, आईएएस का करना हो, तो आप देख लीजिए खान सर भी क्या है, हमारे जो खान सर हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारा डिजिटलाइजेशन का यूज करके वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं दिल्ली में, काफी सारे क्लासेस चल रहे हैं, अभी ज्ञान आईएएस हो गया या ओजान सर का हो गया, खान सर का हो गया। तो ये अगर आज ये ना होते तो ये सारे चीजों से हम लोग वंचित रहते। तो चलिए मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलती हूँ, मिस्टर यूसुफ सिद्दीकी, आप बताइए कि डिजिटलाइजेशन का एजुकेशन क्षेत्र में क्या महत्व है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? महत्व शर्मा जी ने जैसे बता दिया है, बट आई एम गोइंग टू टेल दैट ये डिमेरिट ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन टू द एजुकेशन। ओके, सो प्रॉब्लम ये था कि लॉकडाउन के वक्त में क्या होता था कि every children having a mobile and are studying with the mobiles, okay, and these children are addicted to the mobile, okay, that time you not going to study, that time you going to play the games, watching the cartoon movies, this is the way to पढ़ाई से दूर होना, इसको कहते हैं इसे पढ़ाई से दूर होना कहते हैं, मोबाइल की एडिक्टेड होना कहते हैं। ये डिजिटलाइजेशन कहीं हद तक सही था, लेकिन कहीं हद तक ये हद से ज्यादा बुरा हुआ, जिससे बच्चे बिगड़ गए, जो यंगर थे, जो हम लोग जैसे 90s के बच्चों की ओर चलते हैं, 90s टाइम में, दैट टाइम एवरी स्टूडेंट्स हैव अ वेरी शार्प माइंड बिकॉज दे आर स्टडी विद गार्डियंस विद एंड दैट टाइम दैट स्टूडेंट्स हैव नो एनी इंटरेक्टेड थिंग्स लाइक अ मोबाइल। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इसका उपयोग नहीं करते हम लोग कोविड टाइम में, तो आज हमारा देश बहुत पीछे जा चुका होता। वो चीज आप जो कह रहे हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं या बच्चे अबाउट, मैं कहना चाहता हूँ ना कि वो जो यूज किए हैं ना उसको एक सही तौर पे यूज नहीं किए हैं। जी बिल्कुल, जो सही तौर पर यूज कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, यूज करने के लिए सही तौर पर आप यूज कीजिए, सही तौर पर बहुत बड़ा महत्व है। गार्जियन जो है उनको फोन दे दिए, लेकिन उनको ये चीज देखना नहीं पसंद, नहीं देखना चाहिए कि हमारे बच्चों घर पे आ रहे हैं। दूसरी चीज आप लोग चाहते हो कुछ करने के लिए, अब आते हैं जरा हायर एजुकेशन पे, लाइक मेडिकल में जैसे एमबीबीएस कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग ऑनलाइन दिया जा रहा, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग से आप एमबीएस कैसे बनेगा डॉक्टर? ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा था ये लॉकडाउन के टाइम में, ठीक है, ऑनलाइन तो एमबीबीएस कभी बन ही नहीं सकता, ऑनलाइन ट्रेनिंग से चीर फाड़ वगैरह ऑनलाइन हो रहा। सो दिस इज नॉट अ राइट वे विद द डिजिटलाइजेशन टू स्टडी, ओके, दिस इज नॉट अ राइट वे। कम से कम उसकी जानकारी मिल सकती है। एंड सेकंड थिंग अगर आप कुछ करना सीख रहे हैं तो ये भी तो सही है। आप देख रहे हैं कि उससे हम चीड़ फाड़ मतलब हम आज नहीं सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उतना समझ जाएंगे ना कि हमको क्या सही सीखने के बाद जो उनको डिग्री मिल जा रहा है और जाकर के वो डॉक्टर बन जा रहे हैं, और वो किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे अपने पेशेंट को, हाउ कैन ये बिल्ड आवर पेशेंट, कैसे डिग्री क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो उस काबिल है, उस आप हमारी बातों को जरा सुने। देखिए असल ये इस बात को आप जान लीजिए कि मैंने इस बात को मैंने पहले कहा है कि जहां पर बहुत ढेर सारी सुविधाएं आई हैं सोशल मीडिया के जरिए से, तो इस सोशल मीडिया के जरिए से ढेर सारे नुकसान आपको मिल रहे हैं। जैसे अगर हम फिजिकली जो हम अपने टीचर से हम जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसके ज्ञान के साथ साथ जो हमें तरबियत मिल सकती है, जो हम जिसे हम कहेंगे कि जो चीजें हम ऑफलाइन हम सीख सकते हैं ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन ये भी उससे ज्यादा नुकसान आ रहे हैं। हमारा बच्चा जो है हमसे ये कहता है कि सर अबू जान मुझे चाहिए, मुझे एंड्रॉइड फोन चाहिए, और हम बगैर सोचे बूझे, चूंकि आज के जो गार्जियन अहबाब हैं, जो गार्जियन जो जिम्मेदार हैं,
वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं और वो बहुत ज्यादा उनके वक्त में ये था नहीं। अब उनके वक्त में नहीं होने की वजह क्या आज ये काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको लाने की कोशिश करें। आप ये 10 सालों के अंदर इतना जो डेवलप हो गया, ये तो एक बैग अगर कोई चीज ले आते हैं तो यकीनी बात है कि वो सर से ऊपर पानी चढ़ जाता है और फिर वो फायदा ज्यादा नुकसान के तरफ जाएगा। वही काम ये जरिए आपने अभी कहा कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है और एजुकेशन नहीं है उनको, तो लेकिन आज हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चे को कुछ ना कुछ एजुकेशन है, हर चीज का नॉलेज है, हर चीज का तरीका है। किस चीज से है ये? सिर्फ डिजिटलाइजेशन की वजह से है या सोशल इसके वजह से? नहीं, नो नो, ये बिल्कुल बिल्कुल ये गलत बात है। ये डेवलप का इससे बहुत बड़ी फायदा क्या हो रहा है कि हमारा देश का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, काफी ज्यादा है, इससे हमें आगे बढ़ने में इसकी मदद मिली है, आपको बिजनेस का काफी बढ़ावा मिला है सर। और धीरे धीरे आने वाला पल में ये क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा हमारा पूरा कंट्रीज होगा प्योर रूप से डिजिटल हो जाएगा, तब जाके आपको लगेगा हाँ ये काम आसान। आज के दिन में कौन नहीं चाहता है? आप टीचर हैं, आप टीचर हैं ना, आपने जो पढ़ चुके हैं ठीक है, उनसे आप कभी कंपेयर करके देखें किसका नॉलेज ज्यादा है? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये चीज नया नया आया, देखिए ऑनलाइन नया नया आया, लेकिन आज के डेट में काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहे हैं, काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन है ऑनलाइन एजुकेशन से, काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। और लोगों को क्या चाहिए? ऑनलाइन ही करना है सर। लेट मी क्लियर वन थिंग दोस्ती, तो चलिए अब अपने सवालों को अब खत्म करते हैं यहीं पर। आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा आप लोगों ने अपना अपना विचार को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो आप लोगों का एक बार मैं फिर से तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ आईकॉन न्यूज की तरफ से। ठीक है, धन्यवाद।